हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा आई होप सभी लोग सेहतमंद होंगे दुरुस्त होंगे तो दोस्तों कोड ऑन वेजेस का पार्ट थ्री और फाइनल पार्ट यह रहेगा 2019 वाला जो कोड ऑन वेजेस है ऑलरेडी दो वीडियोस हम देख चुके हैं तो अगर किसी ने वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपके पास लिंक आ जाएगा तो यहाँ पर वीडियो वो दो ज़रूर देख लीजिएगा ठीक है चलिए तो थर्ड पार्ट को जल्दी से शुरू करते हैं इसमें हमें क्या क्या करना है सबसे पहले एक प्रोविज़न है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो देखेंगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो देखेंगे और फिर मिसलिनियस प्रोविजंस हैं कुछ उनको डिस्कस करेंगे तो छोटा सा वीडियो होगा जल्दी से खत्म करते हैं तो सबसे पहले इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे अपॉइंट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर और ये वो पावर्स एक्सरसाइज करेंगे जो जाहिर सी बात है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी इन्हें पावर्स देगी वो पावर्स को ये इंस्पेक्टर कम फेसिलिटेटर्स जो है प्रैक्टिस करेंगे ओके okay? इसके अलावा जो गवर्नमेंट होगी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या वो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक इंस्पेक्शन स्कीम भी लेकर के आएंगे अकॉर्डिंग टू द वेजिस कोड ओके एंड इस इंस्पेक्शन स्कीम के थ्रू क्या होगा वेब बेस्ड इंस्पेक्शन जो है वो जनरेट होगी फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कहीं पर इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो उनको पूरी जो अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो ऑनलाइन जो है सबमिट करनी होगी उसके अलावा रेंडमाइज सिलेक्शन ऑफ इंस्पेक्शन रेंडम सिलेक्शन होंगी इंस्पेक्शन की ठीक है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को रैंडमली चूज़ किया जाएगा ऑनलाइन और फिर उन्हें बताया जाएगा कि हाँ जी आपने यहाँ आप पर आज इंस्पेक्शन करने जाना है ओके तो रैंडम होगी ऐसा कुछ भी ये बेसिकली इसीलिए किया जा रहा है ताकि करप्शन कम किया जा सके और एक तरह से जो पहले हरासमेंट होता था वो ना हो सके ठीक है तो ये सब चीजों को कम करने के लिए रेंडमाइज सिलेक्शन का प्रोविजन जो है वो भी लेकर आया जा रहा है और कोड में सीधा सीधा लिखा गया है कि जो आपके इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो अपॉइंट होंगे दे विल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक सर्वेंट उन्हें पब्लिक डीम्ड पब्लिक सर्वेंट जो है वो माना जाएगा ओके अब डायरेक्टली ये स्टेटमेंट जो है आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में ओके और राइट न इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का काम क्या होगा सबसे पहले इम्प्लॉयर्स को एडवाइस करने का काम या वर्कर्स को एडवाइस करने का काम कि किस तरह से जो वेरियस प्रोविजन है इस कोड के उन उनके साथ उन्हें कंप्लाई करना है ठीक है साथ ही साथ ये जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करने का काम भी करेंगे एंड अदर वर्क विच विल बी यू नो असाइन टू देम बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नो एनी पर्सन रिक्वायर टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाई ए इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अब अगर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर किसी स्टैब्लिशमेंट में जाके कोई डॉक्यूमेंट मांगता है एम्प्लॉयर से या कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है एम्प्लॉय से तो उस केस में वो उनको इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी लीगली वो बाउंड है वो इफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के दे केन नॉट डिनाई दैट इंफॉर्मेशन दे एट नो कॉस्ट कैन डिनाई दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑफेंसिस एंड पेनल्टीज की तो सीधा सीधा कोड में लिखा गया है कि नो कोर्ट नो कोर्ट विल बी इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर दिस कोर्ट ठीक है तो इस कोड में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं तो उसके लिए कोई भी कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगी ओके सेव ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और एन ऑफिसर ऑथोराइज इन दिस बिहाफ और बाय एन एम्प्लॉय और अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट और एन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ओके तो सीधी सी बात यह है कि जो भी ऑफेंसेस हैं जो पनिशेबल है अंडर दिस कोर्ट ठीक है उनसे रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर रही है या ऑफिसर ऑथोराइज कर रहा है या रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कर रही है या इंस्पेक्टर कम फेसिलिटेटर कर रहा है तभी उनको लिया जाएगा उसके अलावा उनको नहीं कंसिडर किया जाएगा एंड हेयर ऑल्सो नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ अ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से जो नीचे की कोर्ट्स होती हैं वो किसी भी ऑफेंस को नहीं ट्राई करेंगी ठीक है उनके पास कोई भी मुकदमा नहीं जाएगा जो इस कोर्ट से रिलेटेड है ठीक है एटलीस्ट मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होना चाहिए उससे के नीचे के कोर्ट्स में अलाउड नहीं है उसके बाद पेनल्टीज की अगर बात करें तो पेनल्टीज क्या लगेंगी इंप्लॉयर के ऊपर जो अगर कुछ भी इस कोड से रिलेटेड वॉयूशन होता है अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को लेस वेजेस पे करता है जो उसका अमाउंट ड्यू है हमने देखा था ना वेज पीरियड डे का फोर्टीन डेज का वीक का मंथ का तो अगर फॉर एग्जांपल टेन थाउजेंड रुपीज ड्यू थे और वो सिर्फ वन थाउजेंड पे करता है तो उस केस में जो इंप्लॉयर होगा ही विल हैव टू पे द फाइन ऑफ अप फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पचास हजार रुपए तक का जुर्माना उसको लगाया जा सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अगर वो ये चीज रिपीट करता है फॉर एग्जाम्पल उसको पहली बार फाइन लगा दिया फिफ्टी थाउजेंड का क्योंकि उसने टाइमली वेजेस नहीं पे की फाइन लगने के बाद दोबारा अगर वो इस चीज को रिपीट करता है यानी कि सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंट वो इस चीज को रिपीट करता है तो उसको जेल भी हो सकती है विच कैन एक्सटेंड अप टू थ्री मंथ तीन महीने तक की जेल हो सकती है और एक लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों भी लग सकते हैं ठीक है पहली बार पचास हजार अगर रिपीटेशन करता है तो तीन महीने की जेल और एक लाख रुपए का जो है फाइन ओके okay, अगर जो इस कोड में जो वेजेस कोड में बाकी के प्रोविजंस है अगर उनका वॉयलेशन करता है एम्प्लॉयर ठीक है वेरियस प्रोविजंस हैं एम्प्लॉयर से रिलेटेड तो अगर उनमें से वो कोई भी प्रोविजन uh, का वॉयलेशन करता है देन उसको फाइन लगाया जा सकता है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का देखो अगर टाइम पे नहीं पे किए तो उसके लिए फिफ्टी थाउजेंड का है बाकी के अगर प्रोविजन नहीं फुलफिल किए तो उसके लिए बीस हजार रुपए का है ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल उसको बीस हजार रुपए का फाइन एक बार लग गया उसके बाद भी दूसरी बार या उसके आने बाद में भी उसने जो है ये सेम मिस्टेक करता रहा तो उस केस में उसको जेल भी हो सकती है एक महीने की और फाइन लग सकता है कितना फोर्टी थाउजेंड रुपीज का या दोनों ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है ओके okay. अगर इंप्लॉयर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता अगर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता तो उसको कितना फाइन लग सकता है अपटू टेन थाउजेंड रुपीज का अपटू टेन थाउजेंड रुपीज का उसको फाइन लग सकता है अगर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता वंस अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर जो पर्सन है अब आप सब जानते हैं कंपनीज एक्ट में अगर आपकी कंपनी बन गई तो कंपनी इज अ स्पेशल कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी जो होती है वो क्या होती है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ठीक है अब कोई वॉयलेशन कंपनी ने कर दिया तो कंपनी तो एक लिविंग थिंग तो है नहीं कोई पर्सन तो है नहीं हालांकि लॉ हम कह रहे हैं कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है पर अगर कंपनी ने मिस्टेक कर दी तो किसको पकड़े तो कोड में सीधा सीधा लिखा गया है कि अगर कोई प्रॉब्लम कोई ऑफेंस कमिट हुआ है कंपनी के एंड पर वॉयलेशन हुआ है कोड का इस कोड का तो उस केस में जो लोग जो पर्सनस जब ऑफेंस कमिट हुआ जब वायलेशन कमिट हुआ जब वो उस कंपनी के चार्ज में थे फॉर एग्जाम्पल उस कंपनी का सीईओ उस कंपनी का एम उस कंपनी के मैनेजर्स जिन्होंने वो डिसीजन लिया तो उस केस में उनको गिल्टी हेल्ड किया जाएगा क्योंकि अब कंपनी को कंपनी अपने लोगों से ही जानी जाएगी ना तो ये जो लोग होते हैं ये डिसीजन मेकिंग लोग होते हैं तो अगर कोई वॉय्यूशन हो रहा है तो इनको पकड़ा जाएगा इनको गिल्टी किया जाएगा और इनको पनिशमेंट होगा और फाइन वगैरह भी सब जो है यही पे करेंगे ओके द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट वन और मोर अथॉरिटीज नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ गेजेटेड ऑफिसर टू हेयर एंड डिटरमाइन द क्लेम्स विच अराइजेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस कोड तो सीधा सीधा एक बात और बोल दी गई है यहां पर कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वेदर सेंट्रल और स्टेट वो एक से ज्यादा एक या एक से ज्यादा अथॉरिटीज अपॉइंट कर सकते हैं और ये अथॉरिटी ये जो व्यक्ति होगा ये गैजेटेड ऑफिसर से रैंक गैजेटेड ऑफिसर के रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए और अगर कोई भी क्लेम है कोई भी केस है जो इनिशियल स्टेजेस पर अगर इंप्लॉयर को फाइन लग रहा है या इंप्लॉयर को फाइन करना है और इंप्लॉयर को बुलाया गया है कि हाँ भाई तुमने ये ये वॉयलेशन किया बताओ अब क्या करें तो उस केस में गैजेटेड ऑफिसर जो है वो इंप्लॉयर की साइड सुनेगा पहले ठीक है फाइनल डिसीजन लेने से पहले ऑल राइट right. तो ये भी एक आपने ध्यान में रखना है सीधा सवाल ये पूछ सकते हैं कि जो अथॉरिटी होगी वो किस रैंक से बिलो नहीं होनी चाहिए तो आप कह दोगे गेजेटेड ऑफिसर के रैंक से बिलो की नहीं होनी चाहिए चलिए कुछ मिसलेनियस फीचर्स देख लेते हैं सबसे पहले कोई भी कोर्ट किसी भी केस को नहीं एंटरटेन करेगी फॉर द रिकवरी ऑफ मिनिमम वेजेस और डिडक्शन फ्रॉम वेजेस या डिस्क्रिमिनेशन इज तो इन वेजेस या पेमेंट ऑफ बोनस तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी कोर्ट के अंदर केस जा रहा है तो उसमें कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी अगर वो सेक्शन 45 जो गेजेटेड ऑफिसर वाला है उसके अंडर आ रहा है तो गेजेटेड ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है सुनने के लिए तो कोर्ट का कोई काम नहीं है ठीक है कोई भी अगर इस कोर्ट कोर्ट के अंदर वेज कोर्ड के अंदर कोई डायरेक्शन दी गई है तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती ठीक है हैज बीन एडजस्ड इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड अगर इस कोड की प्रोसीडिंग्स के अंडर कोई जजमेंट पास की गई है तो उसको भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते कुड हैव बीन रिकवर्ड अंडर दिस कोड अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल मिनिमम वेजेस से रिलेटेड कोई केस है तो उसके लिए भी जो इंप्लॉई है उसको इस कोड के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए काम करना है ना कि सीधा कोर्ट में जाना है ओके okay? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है याद रखने हैं उसके अलावा नो सूट प्रोसिक्यूशन और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग सीधा सीधा कोड में सरकार ने यह लिख दिया है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है या जितने भी सरकार के अफसर हैं उनके खिलाफ कोई भी कानूनी आ, मुकदमा या कोई भी लीगल केस नहीं शुरू किया जा सकता अगर सरकार ने या सरकार के अफसरों ने इस कोड के अंदर कोई एक्शन लिया है और वो एक्शन गुड फेथ में लिया गया है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते ओके उसके अलावा बर्डन टू प्रूफ अगर कोई भी क्लेम या कोई भी केस आ रहा है तो बर्डन टू प्रूफ जो है वो इम्प्लॉयर के ऊपर होगा इंप्लॉय के ऊपर नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल इम्प्लॉय ने कह दिया कि भैया मेरे को वेजिस टाइम पर नहीं मिली ठीक है और इम्प्लॉयर कह रहा है कि मैंने वेजिस टाइम पर दिए हैं तो इसमें जो प्रूफ का बर्डन है वो इम्प्लॉयर के ऊपर है ना कि इंप्लॉयी के ऊपर उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फॉर कैरिंग इन टू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट द स्टेट गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट तो सीधा सा पॉइंट है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस कोड के किसी प्रोविजन को इंप्लीमेंट कराने के लिए एग्जीक्यूट कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को उस एडवाइस को मानना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को उस डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती उसके अलावा जो भी सारे प्रोविजन है इस कोड के अंदर वो किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेंगे मनरेगा एक्ट को कोल माइन प्रोविडेंट फंड एक्ट को मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट को और इन एक्ट के अंडर अगर कोई भी स्कीम बनी है तो उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा फॉर एग्जाम्पल मनरेगा कोड मनरेगा एक्ट और वेज कोड के अंडर कोई प्रोविजन है जो कंफ्लिक्टिंग है तो मनरेगा कोड में उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मनरेगा एक्ट वैसे का वैसा रहेगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वेजिस कोड है उसका इनमें से कौन से एक्ट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा तो आप कह दोगे मनरेगा के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा उसके बाद अगर कोई भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है इस कोड के अंदर तो उस रूल को सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट के सामने पेश करना है दोनों हाउस लोकसभा भी और राज्यसभा भी सिमिलरली अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल बना रही है तो उनको भी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने उस रूल को जो है पेश करना है और फिर पासिंग के लिए उसको रखना है ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आपने याद रखने हैं ऑल राइट चलिए तो ये तीन टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं और इसके साथ हमारा वेज कोड कवर हो गया है. मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं और दोबारा रिपीट कर रहा हूं वेज कोड या अभी हम आगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड भी करेंगे तो कोड करने का मेन मोटिव ये है कि हम सिर्फ उतना करें जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अगर पढ़ने जाएंगे तो इसमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है पर वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने का फायदा नहीं है पेपर पास में है तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके मैक्सिमम करना है हमने और राइट तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही थैंक यू वेरी मच किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हो साथ ही साथ मेल कर सकते हो शिक्षित पर एंड व्हाट्सएप कर सकते हो नाइन जीरो फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन के ऊपर ओके okay? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे बहुत सारा कंटेंट आने वाले समय में आपको मिलने वाला है सो थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एंड बाय